खाई है ये। अगर कोई यहाँ पे गिर गया तो उसका बचना कुछ भी नहीं। और अब स्नो फॉलिंग शुरू हो गया तो मजा पहन के देखते हैं खान साहब कैसा लग रहा है, देख ले चेक करें सामने पहाड़ और क्या लुक दे रहे हैं। जो होती है ना तो खान नहीं है, नहीं नहीं कंटेंट हो गया, उन्होंने 5,000 घूम गए ने। बहुत माशाल्लाह प्यारा व्यू आ रहा है। चेक करें सामने पहाड़ और क्या लुक दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थे। हम लोग को एक झील दिख रही है जो बिल्कुल नीचे है। इस झील का नाम क्या है भला? बरमूडा झील। यहाँ पे बहुत मजे वाला सीन हुआ। आगे हम नहीं आया बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मतलब पीछे आपके और पहाड़ हो सारे और हल्की हल्की सी बारिश हो रही हो तो क्या बात है। पे सर इस वक्त ये जो झील नीचे नजर आ रही है, इस झील का नाम क्या सर? यार इसका मुझे इतना नहीं आईडिया, नाम के पर अच्छी लग रही है जो भी है। हाँ जी गाइस आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। मेरे एक बैठे भी लामी नहीं मदर आज आपने स्टिक यूज़ नहीं करी कौन सी स्टिक सर? जो आपने ली हुई थी यस सर। वो बारिश के साथ हल्की हल्की सी बर्फ बारी है। तो गाइस अब साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जनाब, आप कैसे हैं? अब साहब क्या माहौल है इधर का? माहौल तो बड़ा स्मैक्सी है। स्मैक्सी है yeah. क्या सीन है, मतलब क्या हो रहा है? नहीं मैं माशाल्लाह बर्फबारी होने लग गई है सर से सर से रास्ता करें जाके अच्छा बर्फबारी होना शुरू हो गया है। आप लोग यहाँ पे एंजॉय वगैरह कर रहे हैं? रह गया कि भाई हमने बारिश भी देख ली, बर्फबारी भी देख ली सर, हमने हर व्यू हमारा जो है इतना हमारा पूरा पैसे पूरे। मान खोकर साहब आ चुके हैं सर जी, बर्फबारी शुरू हो गई है तो जी हम सब ना ग्रीन टॉप पे पहुंच गए हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, स्लाइड ले रहे हैं पहले स्नो के ऊपर और अब स्नो फॉलिंग भी शुरू हो गई है तो मजा एंजॉय कर रहे हैं जी। बच्चे क्लाइंबिंग की है माउंट का? क्लाइंबिंग कर रहे हैं, थक चुके हैं, सांस फूल चुकी है जी सर। थैंक यू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, बर्फबारी जारी है अगर आपको दिख रही हो। ये देखें स्नोफॉल हो रहा है। ये देखें गाइस ये प्रॉपर बर्फ गिर रही है, क्या व्यू आ रहा है। ये देखें हर बंदे यहाँ पे इकट्ठे हुए में और यहाँ पे मतलब सब स्लाइड्स कर रहे हैं, ठीक है, बर्फ पे। बहुत ही मजेदार सीन हो रहा है और बहुत मजेदार सीन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया। सलमान खोकर देखते हैं।
सो गाइस अभी एक बर्फ से खेलते हुए कुछ बना रहे हैं। इसके बाल भी हो गए हैं और उसने कहा एक हाथ में स्प्राइट है। ये किसने किसने बनाया, इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? हम चारों ने मिलकर भाई। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन टॉप से हम लोग वापस जा रहे हैं। सारी बर्फ बर्फ यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे काफी शुगर मेला लग गया दोस्तों के साथ मिलके। बर्फ बर्फ भी मारी एक दूसरे को, स्नोमैन भी बनाया और भी बहुत मस्त मस्ती किया, एक दो टिकटॉक भी बनाई है। अब जा रहे हैं तो फिर आगे जाके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाके मिलते हैं। यहाँ पे एक रेस्ट एरिया के लिए थोड़ा सा पानी वगैरह लगाया हुआ ताकि पानी वगैरह पी के थोड़ा सांस वूस ले लें। तो यहाँ पे आप सब रुके हैं और पानी वगैरह पी रहे हैं। तो हमारे साथ है हमारे कुछ क्लास फेलोस। हम ऊपर गए, बर्फबारी हो रही थी, नीचे स्नोफॉलिंग हो रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? गाड़ी तक से बारिश के अंदर खड़े होते ना, इस तरह वो ग्राउंड भी है। अगर आप ग्राउंड में खड़े होते तो ग्राउंड भी होते। सवार जा रहा है बनाइए। चार प्लेट पकोड़े, 8 कप चाय, ठीक है खान साहब? पैसे बॉस नहीं देगा, पैसे तुम देगा। बॉस ऑर्डर देता है, पैसे नौकर देते हैं। ये बॉस मेरे जान नौकर है, दोस्त रखा आपने वो चीजें सब दिखाया खान साहब। ठीक है आप घूम फिर के आ जाए ना, बाकी भी दूसरे चीट होने को भी बता देना, हम वापसी पे पका लेंगे। ओके वापसी पे क्यों खा के उशू फॉरेस्ट, तो पता नहीं क्या नाम है यार, उशू पर इशू पता नहीं क्या है, उशू फॉरेस्ट डन करो। अच्छा तो ना यहाँ पे हम आ गए हैं, ये सर आपको दिख रहा होगा फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत हाइट में दरख्त वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जाते हैं, इस जगह की ब्यूटी को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप यहाँ के दरख्तों की हाइट चेक करें, माशाल्लाह। तो गाइज अभी हम लोग ना विशु फॉरेस्ट में आए हैं और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करेंगे। तो तीस से साढ़े दरख्त लगे हैं और यहाँ पे देखें ये रोड जा रहा है, यहाँ पे दरख्त हैं और आगे से नीचे इस तरह दरख्त लगे हैं, सारी खाई है ये। अगर कोई यहाँ पे गिर गया तो उसका बचना कुछ भी नहीं। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance. अभी हम लोग ना विशु फॉरेस्ट में आ चुके हैं, अब आगे देखते हैं कि क्या सीन है। मेन ग्राउंड है उनका। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ के रहायशी बैट बॉल खेल रहे हैं। So guys, अभी मैं horse riding कर रहा हूँ यहाँ पे। बेटा
तुमसे ना हो पाएगा। प्लास्टिक किया हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल चल। साइकिल राइडिंग कार्ड है लस्सी पे। अभी एक सर मिले हैं, सर से पूछते हैं इधर क्या हाल। अस्सलाम वालेकुम। हैं गजब बेइज्जती है। अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है यार। अभी हम कौन से फॉरेस्ट पे आए हैं भला? यार पता नहीं यार, नाम नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे क्या सीन है, मतलब मजा वगैरह आ रहा है? यहाँ पे दरख्त का लंबे मजा आ रहा है, काफी आ रहा है। आपने मतलब यहाँ पे कोई हॉर्स राइडिंग या इस तरह साइकिल राइडिंग या इस तरह कुछ किया? साइकिल राइडिंग नहीं है, हम चाय पी के हैं, पी के हैं। इतना पठानों का माहौल भी बड़ा अच्छा है, ये बच्चों उनको पसंद भी आया। अच्छा हमने पैसे नहीं दिए, सिर्फ दो रुपए दे रहा है। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा यार ये इसके अलावा पैराग्लाइडिंग वगैरह का सुना था, वो चक्कर है इधर? चलें ठीक है यार, थैंक यू। अभी टाइम इजाज़त नहीं दे रहा कि ज़्यादा आगे जाए, तो अब जाते हैं कुछ पकौड़े और चाय वगैरह पीते हैं। और मेरे दोस्त वगैरह भी इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं, सारे मिलके खाना वगैरह खाते हैं। दोपहर का डिनर तो होता नहीं है, मतलब इन्हीं चीज़ों पर गुजारा करना पड़ता है। तो अब सीन ये है कि आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि यार टाइम इजाज़त नहीं दे रहा, इस वजह से अब चलते हैं। यहाँ पर खुले में टॉयलेट बनाया हुआ है, ये देखें यहाँ पे बैठे हैं। सामने देखें यहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है, ठीक है, आसपास वाले पहाड़ों में। लेकिन ये जो मिट पे पहाड़ हैं इन पे ऐसे गिरी हुई है जैसे कोई सफ़ेद चादर डाली हो, कोई मतलब बता ही नहीं सकता कि ये बर्फ़ है कि मतलब कोई इसको चादर से सफ़ेद कलर की ढका हुआ है। और ऊपर से आसमान का जो मतलब उससे कंट्रास्ट हो रहा है, मतलब आसमान जो बिल्कुल उसके साथ लग रहा है, और बादल भी हैं वाइट कलर के उसके साथ, बहुत ही प्यारा व्यू दे रहे हैं। गजेंद्र ने थोड़ा सा काम ख़राब किया था कि वो बहुत पीछे उतार दिया था, हम पैदल चल के आए थे। अब वापसी पे हम लोगों को इतना रास्ता खुद नहीं तय कर सकते थे, इसलिए डिफरेंट गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं वहाँ तक, देखते हैं कि क्या होता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। सीन ये है कि वो आगे एक दो झील थी, महान झील इस तरह की एक झील थी, और एक बहुत खूबसूरत झील है, मतलब बहुत प्यारी झील है। और उसके अलावा कुछ और स्पॉट्स थे वहाँ पे हमने विजिट करना था, हमारे पास टाइम भी बहुत था। लेकिन ये है कि बर्फ़ गिरी हुई थी, बर्फ़बारी की वजह से ना वो सारा रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ था, हम आगे नहीं जा सकते। अब हम होटल वापस आ चुके हैं, तो अब बस यहीं पे आज का दिन यहाँ पे गुजारेंगे और थोड़ी सी आउटिंग वगैरह करेंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे। बारिश हो रही है और बारिश बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो गई है। अभी इस वक्त हम लोग ने ना इस गज इस वक्त अभी हम लोगों ने खाना खाने जाना है और बारिश का सीन है, अब देखते हैं आगे क्या चलता है। आज ना हाँ यहाँ पे गाइस, आज यहाँ पे बॉनफायर नाइट भी है, तो उसको भी एंजॉय करेंगे और इसलिए चलते हैं। तो गाइस अभी खाना वगैरह आ रहा है, एक और खाना शाना हो गया, स्वाद आ गया। अब जाते हैं तो ये चाय वगैरह पीते हैं, डिनर में चाय शामिल नहीं थी। अभी सब दोस्त मिलके जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। हमारे साथ हैं अब अदनान अकबर साहब, तो आपको ये खाना आपने सार टूबर वगैरह आपने अरेंज करवाया है,
तो आप ये टूर कंपनी के हेड हैं बेसिकली। आपकी टूर कंपनी का नाम क्या भाई? बेसिकली ट्रिपलैंड ट्रैवल एंड टूर्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और पर्सनली मेरा जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट है ट्रैवल विद नानकपुर.pk, आप लोग वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो ओवरऑल नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली खुद आज़ाद कश्मीर से, और मुझे 3 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह 100+ टूर्स में पब्लिक टूर्स करवा चुका हूँ, और अप्रॉक्सीमेटली 200+ में मैंने कस्टमाइज टूर्स अरेंज किए हैं कपल्स के, फैमिलीज़ के, बॉयज़ के। तो मोस्टली जितने भी नॉर्थ एरियाज हैं पाकिस्तान के, ऑलमोस्ट मैंने सारे ट्रैवल किए हैं। तो फर्दर जो भी आपके रेफरेंस से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ वो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे ट्रैवल विद नानकपुर.pk और टिकटॉक अकाउंट है ट्रैवल विद नानकपुर, हाँ आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका खाना भी बेहतरीन था और आपका टूर भी यकीन जाने बहुत बेहतरीन। आई श्योर ऑनेस्टली बता रहे हैं या जस्ट बटरिंग कर रहे हैं? नहीं सर, आपको मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, यही आपका प्यार है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपके टीचर भी माशाल्लाह बहुत कॉपरेटिव हैं, बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया। और लास्ट ईयर भी आप आए थे? नो सर, हम लोग इट वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल एवरीथिंग वॉज ओके। थैंक यू सर। सर जी बड़ा इन्जॉय हो रहे हैं, मैंने कहा रोड पे स्वाद की बहुत एंजॉय हो रहा है। बहुत बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मेरी तरह मरे भाई सब, उतनी देर आप खाना खाया बच्चों? नहीं सर, खाना बहुत अच्छा था। क्या खान साहब पूछ यार कितने का? ये कहने पे आपको अब 200 रुपया और पड़ेगा। हमेशा याद रखेगा इंशाल्लाह आप हमारा मेहमान है। इंशाल्लाह नहीं, मेहमान है, अब है ना मेहमान, मेहमान की इज्जत करते हैं। मेहमान होगा भी और है भी और रहेगा भी और इंशाल्लाह। आप हमारा भाई है, भाई को तो ऐसे ही दे देते हैं, भाई कमाई दे सकते हैं, दे सकते हैं, क्यों नहीं। तो मैं इधर कमाने के लिए आया हूँ, ठीक है, कमाने के आए, बिल्कुल सही बात है। 100-200 मेरा हाथ बनते हैं ना, बनता है लेकिन पहन के देखते खान साहब कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? गुल टूटी टोपी है खान साहब, कैसा लग रहा है? बिल्कुल हलीमा सुल्तान लग रहा है। खान साहब ये कितने का देना है आपके लिए? 600। खान साहब आपको तो चाहिए मुफ्ती का दे। मुझे नहीं माला लग रही है, लड़की लग रहा हूँ। तो ये ड्रामा बाला खातून के लिए। ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਯੇ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਗਾ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਇਸਲੀਏ ਮੈਂ ਬੋਲ ਟੂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਲਾਲ ਖਾਨ ਗੁਲ ਲਾਲ ਖਾਨ ਟੋਪੀ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਪਹਿਨਾਤਾ ਵੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ज्यादा बोल रहे हैं। लेकिन खान साहब थोड़ा मुनासिब भी तो करे, बताओ ना क्या? खान साहब खान साहब ये उसने कहा तो है 400 दे दो, तू की जाना है? मैं तो पर्सी का थे डूब जा पिया एक एक बड़ी बड़ी करके नहीं करके एक एक नोट करके सारे यार मेरे को 5000 नोट है। हां सर 400 सही का डन है। और नहीं ना 400 बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो खान साहब। खान की जुबान एक होती है, आप इस तरह ना करो खान साहब। खान की जुबान एक होती है ना, तो आप खान नहीं है? नहीं नहीं, खान की जुबान तुम कह रहे होते, खान की जुबान एक नहीं होती, पठान की जुबान एक। आप पठान नहीं है? हम खान नहीं है, पठान है।
हम खान नहीं, हम पठान। आप पठान है, पठान की एक जुबान होती है, इतना आप मानते हैं। तो ठीक है, तो हमने खान की बात की, हम तो खान। लेकिन अब मैं अब पठान की बात कर रहा हूँ, आप तो पठान की बात कर रहा हूँ, आप पठान की जुबान एक होती है। आपने खान बताया ना, हम वो गुजर गया, आप बताओ, आप बताओ। लगा था फ्री में ले रहा, मैं बैठ पे 100 रुपए दे फ्री में, बाप को भी नहीं देते आप, इसने मेरे को दिया, मतलब मैं बाप हूँ। नहीं कंट्रोल, मैं बाप हूँ। नहीं कहा स्किन सब ले लो, उसने कहा कि फ्री में ले लो, क्यों दे, घूम गए। ओए यार 10 रुपए दे, ओए रोक का 5000 का नोट सी साल थोड़ा क्यों होना है, देखता है आपने तेरे धोखा लिया। अल्लाह की कसम अब्दुल्ला, टोपी मेरे सर पे 400 लगता है तुम खान, क्या लगता है तुम टोपी पहन के खान साहब? अल्लाह हाफिज, शुक्रिया खान साहब, कोई बुरा बात तो नहीं लगा आपको हमारा? नहीं, गप शप था। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह, आई थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। गजब बेइज्जती है। यार चाह पी जाना यार, आज डे टू है और हम लोग आज फिर चाय पीने जा रहे हैं रात को खाने के बाद। ऐसा मकसद ये भी है, चाय पीते हैं उसी से जिसे कल पी थी और थोड़ा फ्रेश होते हैं। आप
Guys, I hope कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा. If you like the video, subscribe the channel, hit the bell icon. Meet you guys in the next vlog. Like video, comment video, share video. कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में.